हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक के एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी ए टू प्लस में आप वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर होम स्क्रीन में कहीं पर भी लॉन्ग प्रेस कर देना है खाली स्पेस में, और आप देख सकते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल की ऑप्शन आ चुकी है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी वॉलपेपर सेट करना है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और सेट एज वॉलपेपर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अगर लॉक स्क्रीन पर अप्लाई करना है तो अप्लाई टू लॉक स्क्रीन पर कर देंगे। अगर आपको होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों पर क्लिक अप्लाई करना है तो अप्लाई बोथ पर क्लिक कर देंगे, तो वॉलपेपर सेट हो जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पर कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप गैलरी में से भी, आप देख सकते हैं गैलरी का ऑप्शन है, गैलरी में से भी आप अपनी कोई भी फ़ोटो सेट कर सकते हैं वॉलपेपर पर।